और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें आज राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का आज पीएम मोदी लोकार्पण करने वाले हैं दौसा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आज एक बड़ा दिन देश के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन होने वाला है और दौसा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे इस मेगा एक्सप्रेस हाईवे की खासियत यह होगी कि यह देश के आठ राज्यों से होकर गुजरेगी और कई बड़े शहर सामने आएंगे मसलन यहाँ देख सकते हैं जयपुर यहाँ से 119 किलोमीटर है आगरा 155 और वडोदरा 737 किलोमीटर जबकि यही यदि पुराने रास्ते से सफर तय किया जाता तो इसमें अब जो वक्त लगेगा दिल्ली से आने का वह करीब दो से तीन घंटे तक ज़्यादा लगता था और यदि बड़ोदरा यानी कि गुजरात की सीमा तक यदि आपको जाना है तो चार से पाँच घंटे का वक्त आसानी से आपका बच सकता है यही नहीं यहाँ से गुरुग्राम दिल्ली राजगढ़ महवा जैसी जगह जाने के लिए भी इसी तरह से वक्त और ईंधन में जबरदस्त बचत होगी और यही कारण है कि इस एक्सप्रेस को हाईवे को आर्थिक विकास की दृष्टि से काफ़ी दूरगामी परिणामों वाला देखा जा रहा है क्योंकि न केवल वाहनों का ईंधन बचेगा बल्कि इससे समय भी बचेगा और जो चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचनी चाहिए या किसी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जो वक्त लगता था उसमें भी काफी हद तक बचत होगी कई कारणों से इसे चुनावी एक्सप्रेस वाला हाईवे भी बताया जा रहा है क्योंकि राजस्थान के उस इलाके से यह गुजर रहा है जहाँ पर बीजेपी साल 2013 के विधानसभा चुनाव तक काफी मजबूत मानी जाती थी यहां पर करीब 55 विधानसभा की सीट थी और बीजेपी को 45 से भी ज्यादा सीटें यहां पर जीतने में सफलता मिली थी लेकिन साल 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को यहां तगड़ा झटका लगा था सचिन पायलट का इलाका यह पूरा माना जाता है पूर्वी राजस्थान का गुजर और मीना बाहुल्य इलाका है तो ऐसे में अब बीजेपी की नजर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी है और कारण है कि दौसा में खास तौर पर इसे लेकर बीजेपी की ओर से एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन किया गया है मसलन बीजेपी की इस जनसभा के साथ साथ यहां पर एक सरकारी बड़ा कार्यक्रम भी होगा जिसमें पीएम मोदी राष्ट्र को इस पूरे मेगा हाईवे को लोकार्पण करेंगे लो और उसके बाद यह एक्सप्रेस मेगा एक्सप्रेस हाईवे आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा लेकिन इसी के साथ साथ जो बड़ी जनसभा होगी उसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे और पीएम मोदी आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं पूर्वी राजस्थान का क्योंकि पूर्वी राजस्थान की मांग ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट की है जो कि इन आठ जिलों में सबसे ज़्यादा पानी सप्लाई के लिए ज़रूरी मानी जा सकती है ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी से उम्मीद की जा रही थी कि वह इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दें और उसके बाद लगातार इसे लेकर राजनीति भी गर्म होती जा रही है बीजेपी खुद अच्छी तरह से जानती है कि यदि इस इलाके से उसे चुनाव जीतना है तो निश्चित तौर पर पूर्वी राजस्थान को खास तौर पर कई बड़ी सौगातें देनी होगी और यह मौका भी है और यही कारण है कि पीएम मोदी को खास तौर पर इस कार्यक्रम में यहां पर जनसभा के को संबोधित करने के लिए बुलाया भी गया है कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन दौसा न्यूज ट्वेंटी तो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे बने रहेगा न्यूज ट्वेंटी के साथ मुंबई में भी सिद्धार्थ कियारा ने मीडिया कर्मियों के बीच मिठाइयां बांटी और शुभकामनाओं के लिए सबका आभार जताया